जितनी लोकसभा सीटें हैं सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ काफ़ी अंतर से जीत रही हैं और उसके लिए सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कटिबद्धता बनता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस है ये उसकी कूट से आतंकवाद पैदा होता है, उसने बहुत सारे आतंकवादी को जन्म दिया है, उसी के कारण से आज जो जवान शहीद हो रहे हैं उसमें कांग्रेस का ही बड़ा हाथ है, उसके कारण से देश तबाह हुआ है। कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, पहले से अगर ये सब चीज़ें व्यवस्थाएँ ठीक होती देश की सेवाएँ मजबूत होती तो हमारे सैनिक शहीद नहीं होते, और पहले से ही अगर पाकिस्तान को क्यों वो शक्ति के साथ निपटा जाता तो ये पुलवामा जैसा कांड नहीं होता। मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर भाजपा की लहर चल रही है, नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार की लहर चल रही है, भारी मतों के साथ सब जीत। कटियार सब खास ऐसा क्यों लग रहा है कि 2019 का चुनाव भाजपा वर्सेस कांग्रेस नहीं पर भाजपा वर्सेस पाकिस्तान का चुनाव है? राष्ट्रवाद का मुद्दा आता है, जितना कांग्रेस का नाम नहीं आता इतना पाकिस्तान का नाम आता है। पर्याय है ना, कांग्रेस और पाकिस्तान ये दोनों भाई बहन हैं, इसीलिए इनको कहना कौन इसमें बहन है कौन भाई है ये तो हमको नहीं मालूम, भाई भाई कह सकते हैं। विनय जी, क्या प्रज्ञा ठाकुर को टिकट देके क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से हिंदुत्व वाला कार्ड सर लोक सामने? मैं कभी कोई हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सबके समग्र राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ।